हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद क्या है या फिर नारीवाद का समाजशास्त्र में क्या अर्थ है। तो आइए शुरू करते हैं। नारीवाद जो है एक सामाजिक आंदोलन है। नारीवाद विचार की शुरुआत जो है 18वीं सदी में हुई। नारीवाद जो है औरतों की समाज में क्या इम्पोर्टेंस है या समाज में उनकी क्या भूमिका रही है उसे दिखाने की कोशिश करता है या उसे दिखाने का जो है प्रयास करता है। ऐतिहासिक रियलिटी, यानी कि वास्तव में ऐतिहासिक सच्चाई क्या है। औरतें जो हैं हमेशा से पुरुषों के अधीन रही हैं, यानी कि औरतों ने हमेशा पुरुषों के अंडर ही काम किया है। नारीवाद क्या करता है, औरतों और पुरुषों में लिंग समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश करता है। नारीवाद जो है एक इस तरह का सामाजिक आंदोलन है जो औरतों के हक के लिए लड़ता है, औरतों को समाज में पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त हो सके, ताकि औरतें पुरुषों के साथ हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। समाज में लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर औरतों और मर्दों के बीच भेद आज से नहीं कई युगों से चला आ रहा है, यानी आदमी और औरत का फर्क समाज में काफी समय से चला आ रहा है। नारीवाद सिद्धांत समाज में पीड़ित औरतों, जिन औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिन स्त्रियों का शोषण हो रहा है, उनका समर्थन देने का कार्य करता है, यानी कि उनका साथ देता है। नारीवाद हमें एक ऐसी सच्चाई के साथ हमारा सामना करवाता है, लिंग भेद यानी कि पुरुषों और महिलाओं में भेद जो है वो सामाजिक स्थितियों का ही नतीजा है, ना कि लिंग भेद जैविक यानी बायोलॉजिकल भेद पर आधारित है। जैसे जब बच्चा जो है पैदा होता है, चाहे वे लड़का है या लड़की है, उनमें सिर्फ जो है बायोलॉजिकल फर्क होता है, उसके बाद समाज उनमें फर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया अपनी एक अहम भूमिका निभाती है, जहाँ बच्चा पैदा होने के साथ ही सबसे पहले परिवार के साथ जुड़ जाता है, यानी कि बच्चा समाजीकरण की पहली स्टेज मौखिक अवस्था यानी कि ओरल स्टेज में होते हुए समाजीकरण की परिवार नामक इकाई के साथ जुड़ जाता है। यहीं से जो है लड़का और लड़की के बीच लिंग भेद होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ परिवार बचपन में अगर लड़का हो तो उसे बाइक, कार, आर्टिफिशियल गन जैसे खिलौने, टॉयज लाकर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ लड़की हो तो उसे डॉक्टर का सामान, घर का सामान, बैंगल्स यानी कि चूड़ियां आदि जैसे टॉयज लाकर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ कपड़ों के रंग में भी फर्क होता है। लड़कों को ब्लू, ब्लैक, ब्राउन वगैरह रंग के कपड़े दिए जाते हैं और लड़कियों को व्हाइट और पिंक रंग के कपड़े दिए जाते हैं। लड़कों को ये सिखाया जाता है यू आर एडवेंचरस, हार्डकोर एंड स्ट्रांग पर्सन, और दूसरी तरफ लड़कियों को ये कहा जाता है यू आर सॉफ्ट। और बचपन में ही दोनों के बीच ये सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि बॉयज जो है एक स्ट्रॉन्ग का सिंबल है और गर्ल्स जो है एक सॉफ्ट का सिंबल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे समाजीकरण की स्टेजेस और एजेंसीज बदलती चली जाती हैं और लिंग भेद भी बढ़ता चला जाता है। फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज और भी कम होती चली जाती हैं और मेल जो है हर फील्ड में और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि नारीवाद एक ऐसी सच्चाई को हमारे सामने लाता है कि जो समाज में लिंग भेद यानी कि पुरुषों और औरतों के बीच का जो भेद है वो सदियों से चला आ रहा है, और ये हमारे समाज में कैसे पनपा यानी कि कैसे आया। इसके लिए सिर्फ समाज की सामाजिक स्थितियां यानी कि हम लोग ही जिम्मेदार हैं। नारीवाद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित यानी अपनी ओर केंद्रित करती है जिन चीजों या सोर्सेस से औरतों को वंचित रखा गया है। नारीवाद जो है वे राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की देन है, जिसमें औरतों ने राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिक यानी कि पर्सनल और सामाजिक अधिकारों की मांग की है। नारीवादी आंदोलनों ने कई अभियान चलाए हैं जिनके तहत उन्होंने औरतों के वोट के अधिकार की बात की है। उनके लिए सार्वजनिक कार्यालय बनाए जाने चाहिए जहाँ वे काम कर सके, उनकी कमाई यानी कि उनकी अर्निंग निष्पक्ष मिले, हो सके तो उन्हें पुरुषों के समान वेतन मिले। अगर पुरुष और औरत एक ही काम करते हैं तो दोनों को एक सा वेतन मिलना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन के राइट्स मिलें यानी कि शिक्षा से जुड़े अधिकार मिले, किसी भी रिश्ते और विवाह जैसे रिश्तों में मर्दों के बराबर अधिकार मिले, टू हैव अ मैटरनिटी लीव यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर छुट्टी मिल सके, और औरतों और लड़कियों को रेप, सेक्शुअल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट करना। एंड में हम बात करेंगे नारीवादी जो है कौन होता है। वह व्यक्ति जो ये मानता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुष और स्त्रियों को समान होना चाहिए, वे जो है नारीवादी कहलाता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, व्हाट इज फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद क्या है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।